हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बनाने जा रहा हूँ मैगी का पकोड़ा, जिसके लिए मैंने क्या क्या लिया आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया मैगी और आलू को एक साथ उबाल के, फिर थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया, फिर दो बारीक कटी हुई प्याज ले ली, फिर एक टेबलस्पून सॉल्ट ले लिया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक बड़ा चम्मच बेसन। आइए इसको मिक्स करते हैं पहले। और यहाँ पे हमारा मिक्सिंग हो गया और अभी तेल गरम करने के लिए रख दिया है। सो तेल गरम होने के बाद पकौड़े तले जाएंगे। तो गाइस, तेल गरम हो चुका है, आइए अभी पकौड़े तलते हैं। सो गाइस, पकौड़े तले हो गए हैं और इस पे अब हम डालेंगे टमाटो केचप, फिर मैगी मसाला और थोड़ा सा धनिया, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा मैगी का पकौड़ा बन के रेडी हो गया। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।